गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा दसवीं का सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में हमने लिया है भूगोल। अध्याय हमारा तीन है, अध्याय का नाम है कृषि और भाग तीन है। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा, कृषि क्या है, पहले के कृषि और अभी के कृषि में क्या परिवर्तन आया, साथ ही विभिन्न ऋतुओं में बोए जाने वाली फसलों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है भूमंडलीकरण एवं भारतीय कृषि। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को भूमंडलीकरण का अर्थ बताती हूँ। भूमंडलीकरण का अर्थ होता है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, और अर्थात एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ संपर्क स्थापित किया जाता है। आयात निर्यात की छूट दी जाती है, वस्तु एवं सेवाओं का क्या किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है, जिससे व्यापार में इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, भूमंडलीकरण का व्यापार में जो अवरोधक अवरोध प्रतिबंध है उसको कम करना, आयात निर्यात की क्या देना, छूट देना, वस्तु एवं सेवाओं का क्या करना, वृद्धि करना, उत्पादन में क्या करना, वृद्धि करना, लोगों को क्या बोलते हैं काम उपलब्ध कराना, साथ ही खाद्यान्न में वृद्धि करना, ये भूमंडलीकरण का उद्देश्य है। भूमंडलीकरण से क्या क्या फायदा हुआ, आयात निर्यात में वृद्धि हुई, अधिक वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होने लगा, लोगों को कम कीमत पर वस्तु एवं सेवाएं उपलब्ध होने लगी, साथ ही एक देश के साथ दूसरे विश्व के साथ संबंध क्या होते गए, मजबूत होते गए, लोगों को काम मिलते गया, सूचना प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, मशीन तकनीकी, इन सब का बहुत मात्रा में प्रयोग हुआ। ठीक है, इस ये भूमंडलीकरण के उद्देश्य लाभ हो गया, पर भूमंडलीकरण के हानि क्या हुई। सबसे पहले भूमंडलीकरण का हानिया हुई कि भूमंडलीकरण में विभिन्न लोगों देशवासियों का होड़ एक दूसरे से होड़ करने लगे, अर्थात एक दूसरे देश से आगे निकलने की कोशिश करने लगे। जो कार्य मशीन जो कार्य व्यक्ति करता था, श्रमिक करता था अपने हाथ से, वही सूचना प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी मशीनों के प्रयोग के कारण जो श्रमिकों को काम मिलना कम हो गया, श्रमिकों की क्या होने लगी, छटनी होने लगी। आयात निर्यात में छूट के कारण एक देश दूसरे देश से मनमानी करने लगे। ठीक है, साथ ही जो पूंजीवादी थे, जिसके पास पूंजी थी भरपूर मात्रा में, बड़ी बड़ी मशीनें थी, वे आगे बढ़ते गए और श्रमिकों को काम मिलना बंद हो गया। जिसके पास पूंजी नहीं थे, छोटे व्यापारी थे, उनका उद्योग क्या होने लगा, बंद होने लगा। साथ ही भूमंडलीकरण से आयात निर्यात, अधिक वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करना, अधिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग से पर्यावरण अनेक प्रकार के क्या करना, अनेक प्रकार के खनन कार्य करना, इस कारण क्या हुआ, पर्यावरण प्रदूषित हुआ, पर्यावरण का क्या होने लगा, हास होने लगा। ठीक है, अब भूमंडलीकरण एवं भारतीय कृषि। भारतीय कृषि, पहले कृषि क्या थी, लोगों के जीवन का एक आधार थी, केवल ये कृषि इसलिए किए जाते थे कि लोगों के जीवन की क्या हो सके, अपने जीवन और परिवार का पालन पोषण कर सके, केवल पेट भर सके। कृषि में कोई आधुनिकता नहीं थी, कोई नयापन नहीं था। ठीक है, जैसे जैसे परिवर्तन होते गया, आज वैज्ञानिकता का युग है। ठीक है, कृषि का मुख्य उद्देश्य केवल अपने परिवार के पालन पोषण नहीं, आज भारतीय कृषि एक व्यापारिक कृषि बन गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो गया है, अत्यधिक क्या करना, व्यापार में वृद्धि करना, अत्यधिक उपज में वृद्धि करना, उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक है, और अत्यधिक पूंजी की प्राप्ति करना। इस कारण विकसित देशों द्वारा कृषि के उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे विकसित देशों विकासशील देशों की भारतीय कृषि पर अपना कब्जा करना चाहते हैं, साथ ही क्या करना चाहते हैं, विकसित देश कृषि में अत्यधिक क्या बोलते हैं रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाई, इन सब का प्रयोग करके उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि करते हैं करना चाहते हैं और पूरे उत्पादन पर अपना क्या करना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। इस प्रकार पहले की कृषि अभी के कृषि में परिवर्तन हो गया। पहले कृषि किसके लिए किया जाता था, केवल देश बनने के लिए, आज कृषि क्या बन गई है, एक व्यापार बन गई है। ठीक है, आज के बस इतना ही। थैंक यू।